सरफरोश का करैक्टर जो था वो कोई मेरे लिए ऐसा नहीं था कि मुझे बहुत कुछ करना पड़ेगा लेकिन मेरी कास्टिंग से थोड़ी इंडस्ट्री को प्रॉब्लम थी ये भी एक सच्चाई है सच्ची तो बात बताऊँ तो मेरे अंदर एक डर था क्योंकि ये चीज़ें जब खुलनी शुरू हुई कि ये रोल तो अमरीज जी कर सकते थे तो नाना पाटेकर कर सकते तो मेरे अंदर एक डर था मुझे ऐसा लगा कि बोझ है ए, 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 इस चीज़ का मैं कैसे होगा मुझे आ, कभी आ, ऐसी चीज़ हाईलाइट नहीं लगी अपने कि हाँ भाई ये जो चीज़ थी ये ऐसी होगी ये ऐसी होगी मेरे लिए तो गर्दिश सबसे बड़ा माइलस्टोन है जहाँ से ज़िंदगी शुरू हुई है मेरी और वहाँ से जो जो सीख मुझे उससे पहले मिल चुकी थी वो गर्दिश पहुँचते पहुँचते उसका मुझे फ़ायदा हुआ आ, फिर गर्दिश के साथ साथ दूसरी तीसरी फिल्म थी शायद बाजी थी वो हुई तो इस तरह चलते और एक दो फिल्में आई फिर आ, जब सरफरोश तक पहुँचे तो सरफोश का रोल डिफरेंट था सरफरोश के ज़रूर मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा कि सरफरोश का करैक्टर जो था वो वो कोई मेरे लिए ऐसा नहीं था कि मुझे बहुत कुछ करना पड़ेगा लेकिन सबसे बड़ा यह था कि एज एन एक्टर मैं इसको कैसे समझूं तो मुझे उसमें सबसे बड़ी मज़ा ये कहता है कि जॉन मैथ्यू साहब जो थे उन्होंने उनके अंदर हर करेक्टर एकदम उनकी रिसर्च बहुत कमाल की थी मतलब आप कभी भी उनके अंदर सलीम के बारे में बात करें तो सलीम बन जाते थे कभी भी वो इंस्पेक्टर आमिर ने जो किया वो बन जाते थे तो ये बहुत ज़बरदस्त था लेकिन मेरी कास्टिंग से थोड़ी इंडस्ट्री को प्रॉब्लम थी ये भी एक सच्चाई है क्योंकि जो बिजनेस का हिस्सा है जो कास्टिंग समझते हैं वो कह रहे हैं कि मुकेश की कास्टिंग ठीक नहीं है क्योंकि जॉन पहली फिल्म बना रहे हैं और उसमें कोई भी बड़ा आदमी हो सकता है जैसे अमरीश पुरी भी हो सकते हैं नाना पाटेकर भी हो सकते हैं ऐसा प्रेश रावल साहब जॉन साहब के बड़े अच्छे दोस्त थे तो वहाँ भी जब मुझे ये बात बाद में ये बात में पहले नहीं मालूम मुझे बाद में पता चला कि ऐसे से हुआ है और क्यों जो एड की दुनिया के लोग थे जो उनके दोस्त थे क्यों उन्होंने मेरे लिए ओके किया और क्यों ये बात नहीं जची कि इसमें अमरीज जी हो सकते हैं या कोई और बड़ा एक्टर हो सकता क्योंकि वो चाहते थे कि जब मेरा सलीम जो है जब इसकी आंख में आंसू आए तो लोगों की आंख में आंसू आना चाहिए उनको लगा कि अमरीश जी बहुत सीनियर है बहुत से रोल कर चुके हैं तो शायद वो इफ़ेक्ट लोगों पे ना उनका इस चेंज का ना मिले तो वाकई जब आंसू आने थे तो, तो आंसू ही नहीं आ रहे थे एक सीन है आमिर साहब के गले मिलता हूँ जब मैं कहता हूँ ना जब दे तो तु दिया तुमको और क्या चाहिए दस नहीं दस हज़ार मिलेंगे ऐसे ऐसा कुछ लाइने तीन जैती आंसू नहीं आ रहे थे तो वहाँ भी एक बहुत बड़ी सीख मुझे मिले कि क्यों पानी नहीं आ रहा था मेरी आँखों में वो रसीद बाद में लिया गया क्योंकि वो आंखों आंखों में आंसू का ड्रॉप ना भी गिरे लेकिन आंखें नम कैसे हो जाती हैं वो वो मतलब मेरी आंखों में ग्रिसलिन भी नहीं ठहर रहे तो वो टेक्निकल बाद में समझ में आया कि कई बार आपके अंदर आप डिहाइड्रेट होते हो तो पानी का असर इस तरह एक्टर महसूस करता है कि पानी आंखों तक नहीं आ रहा वो भी आ, आ, सीखने को आ, आ, मेरे को मिला तो सरफरोश ने बहुत कुछ सिखाया मेरे को वो जो एक जिस तरह उन्होंने उस वक्त सब नेगेटिव ही रोल कर रहे थे हे इस तरह की टोन हुआ करती उसमें एक सलीम जो सीधा कह रहा है कि मतलब जिसको ये दुख पहुंचता है कि मेरे सर के ऊपर एक ऑफिसर बैठ गया और ये कर रहा सच्ची तो बात बताऊं तो मेरे अंदर एक डर था क्योंकि ये चीजें जब खुलनी शुरू हुई कि ये रोल तो अंग्रेज जी कर सकते थे तो नाना पाटेकर कर तो मेरे अंदर एक डर था मुझे ऐसा लगा कि बोझ है ए, 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 इस चीज का मैं कैसे होगा मेरा डर जो था वो सलीम का एक्चुअल हो गया करैक्टर कि जो सलीम चाहिए था इनको सलीम की हालत भी वही थी कि मैं गलत नहीं हूँ मुझे क्यों गलत कहा जा रहा है अगर ये गलत है तो होगा मैं तो नहीं गलत ना यही था ना सलीम का करेक्टर हम कोई भी इंसान कर, कभी भी सारे एक जैसे तो नहीं होते गलत हो सकता है मुझे म, मैं क्यों हूँ तो ये वो अपनी जिम्मेदारी लेके सलीम चलता था कि मैं ऐसा नहीं हूँ मैं तो देश का हूँ दस नहीं दस हज़ार मिलेंगे अगर आप उन पर भरोसा करेंगे तो।, तो उसकी तो वो तो वो जो मेरा डर था वो एक्चुअली मेरा करेक्टर बन गया फिर मैंने उस तो डर को निकलने नहीं दिया थ्रू आउट द फिल्म ने निकलने दिया मैंने कभी नहीं महसूस किया आई कैन गुम दिस शॉट नो तो ये जो चीजें थी अपने करेक्टर को संभाल लेना मैं उनमें से नहीं हूँ जो रात को सोता भी सलीम था मैं नहीं हूं वो आज भी नहीं हूं लेकिन सुबह सेट पहुंचने पहुंचने तक सलीम आ जाना चाहिए ये आज भी मेरी प्रैक्टिस ऐसी है मैं नहीं सो सकता रात को वो करैक्टर को लेके क्योंकि मैं जिम में जाने वाला आदमी हूँ मुझे पसीना निकालना है तो पसीना कैसे आएगा जब इस तरह की चीज़ें रहेंगी तो वो मेरी एक्सरसाइज बन गई कि वो करैक्टर जो है वहीं पे छोड़ने के बाद अपना काम करो फिर उसको काबिलियत आपके अंदर आनी चाहिए एज एन एक्टर कि आप उसको जल्दी से जल्दी वापस बुला के आप बाई द टाइम यू आर इन फ्रंट ऑफ द कैमरा डेड पर्सन इन यू तो ये मेरी खुद की अपनी सीख थी मुझे किसी ने कोई तरीके तो बताए नहीं क्योंकि बड़े कोर्स किए होते तो वहाँ छोटी छोटी चीज़ें आती हैं सामने तो ऐसा सब मेरे अपने ही थे मुझे खुद कोई मैं सिखाता रहा समझाता रहा इस तरह करते हैं क्योंकि जब मैं डर था तो डर को मैं छुपाऊँ क्यों अपने आप से मैं कैसे छुपाऊँ कि मैं घबराया नहीं था लेकिन वो घबराहट जो है फिर वही बात आ गई तो मैंने अपने डायरेक्टर से कभी सवाल नहीं किया था क्यों मैं घबरा रहा हूँ तो आपने क्यों ओके कर दिया क्योंकि घुस घबराहट में तो उनको सलीम दिख रहे थे उस परेशानी में उस जदोजहद में कोई मेरा क्या कसूर है मुझे मेरे ऊपर क्यों इस तरह हो रहा तो ये चीज़ें मैंने ज़रूर सीखी हैं करते करते सीखी हैं और इन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर नए बच्चे के लिए एक भरोसा रखो अपने डायरेक्टर पे मैं रिक्नेशन के लिए भी कोई स्पेशली काम नहीं किया मैंने मैंने कोई ऐसा नहीं किया चलो अब मैं मुझे तो यह भी नहीं मतलब न्यूज में किस तरह आना है क्या करना है क्या नहीं करना तो एक बार मुझे याद है मैंने आमिर खान साहब इसी के दौरान सरफरोश की मेकिंग के दौरान उनसे एक सवाल किया था कि क्या अप्रोच होनी चाहिए एक ओनली वन कंसर्निंग इंडस्ट्री मैंने अगर कोई सवाल किया था तो ये किया था उनसे मैंने पूछा उनको मैं क्या हमें क्या पोजीशन होनी चाहिए पब्लिसिटी के हिसाब से एक करक्टर आर्टिस्ट की मुझे कि बोले नहीं आपका फ़र्क है क्योंकि हीरो है तो इस तरह उनका होता है ये वो तो आपको इतनी पब्लिसिटी की पीछे नहीं जाना तो उस वो तरीका जो था वो वैसे ही था ये तो इंस्टाग्राम ये सब चीज़ें नहीं थी तो कहीं पर मेरे दिमाग में बैठ गया कि ख़ाम खां की पब्लिसिटी मुझे क्या क्या बना सकती है सबसे बड़ी पब्लिसिटी तो फिल्म है आपकी अगर फिल्म अच्छी है तो उन दिनों फिल्में पच्चीस हफ्ते रहती थी दस हफ्ते चलती थी तो इससे बड़ी क्या हो सकता और जो प्रेस का रुख था वो डिफरेंट था उस सब प्रेस को क्रीम चाहिए थी ऊपर वाली आइसिंग जो होती है ना उसी पे ही उनका वो था। फिर वो भी मैंने सीखा और एक बार किसी ने एक अच्छे इंसान ने मेरी पार्टी में मेरी हेल्प करनी चाहिए तो उसने किसी प्रेस वाले से कहा कि ये मेरा आदमी ज़रा इसका ख्याल रखना ये शब्द उनके बहुत प्यार से उन्होंने और फिर दो ड्रिंक उसके प्रेस वाले गए थे तो फिर टकराया ठीक है कोई अच्छी फिल्में दो चार कर लेगा तो मिलना मेरे से तो मैंने इसको फिर अप, इसको अपने हिसाब से लिया तो मैं कई चीज़ों को मैंने अपना ऐसा एग्जाम्पल सेट कर दिया जो मुझे बहुत सूट किया। तो मैं बोला अच्छा हो के आपसे मिलना है तो फिर फायदा क्या मिलने का फिर तो मैं अच्छा हूं मैंने उस पर ही बिलीव करता हूं आज भी मुझे काम मिल रहा है उसके लिए मैं मेहनत करता हूं उसके लिए मैं महसूस कराता हूं कि आप मुझे जब देखेंगे आपको लगना चाहिए कि आपका कमिश्नर में है आपका विलन में है आपका फलाना करेक्टर में है टू जो करेक्टर आर्टिस्ट करते हैं वो आपको लगना चाहिए इसके लिए मैं मेहनत करता हूँ इसके लिए कोई एहसान नहीं करता हूँ ये मेरा लाइफ स्टाइल है मैं ये लेके आया था मैं कोई शरीर का कोई हिस्सा जो है जो भी मेरे पास है ये ले के आया था मैंने उसको बेटर किया है और उसको इन्जॉय किया है ये मुझसे कोई छीन नहीं सकता ये मेरे साथ चलता मेरा दोस्त है ये इसलिए मुझे इसकी कभी कभी इसका मुझे बोझ नहीं लगता है तो ये मेरे प्रोफेशनल होने का एक, एक तजरिया है बजाय इसके कि सर लेना या मेरी फोटो दो फोटो ले ले मेरे से नहीं होता जी नहीं करूंगा आज भी नहीं करूंगा तो हम काम कर रहे हैं ये सबसे बड़ी आपकी जीत है और काम तभी कर रहे हैं जब लेने वालों को लगे कि युवा दे